गुड मॉर्निंग डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। गुड सो मॉर्निंग नाइस मैम। टू सी यू अगेन। ऑल ऑफ यू हैव गॉट योर मॉड्यूल टू, वेरी यस मैम। नाइस। टुडे व्हाट आई सी, देर वर सो मेनी चिल्ड्रन ऑफ 8th क्लास, बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस, एंड दे ऑल आर अरेंज्ड सो नाइसली इन द हॉल। प्रॉपर रोज बनी हुई है, प्रॉपर आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, एंड आई कैन सी फेस ऑफ ईच एंड एवरी चाइल्ड। दिस इज सो ब्यूटिफुली डन। आई मीन टू से चिल्ड्रन आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, फाइन। सो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई कैन रिकग्नाइज, आई कैन गेस कि कितने बॉयज होंगे, बॉयज आर मोर और गर्ल्स आर मोर। ओके, आई कैन गेस वेरी नाइसली बाय सीइंग यू योर अरेंजमेंट, फाइन। यू नो, व्हेन आई वाज कमिंग इन द मॉर्निंग फ्रॉम होम, आई गॉट स्टक ऑन द वे। वेयर आई गॉट स्टक? आई गॉट स्टक इन फ्रंट ऑफ अ स्कूल। यू नो, मॉर्निंग में चिल्ड्रन आर रशिंग, फ्यू आर कमिंग वॉकिंग, फ्यू आर कमिंग बाय कार, देयर पेरेंट्स आर ड्रॉपिंग, फ्यू आर कमिंग बाय स्कूटर और विद देयर फादर्स और मदर्स, और फ्यू आर कमिंग बाय रिक्शाज और कमिंग बाय स्कूल बस। सो आई हैड टू स्टॉप माई कार एंड आई हैड टू सी, आई हैड टू ऑब्जर्व ऑल्सो, बिकॉज देर वर रश ऑल्सो। आई हैड टू स्टॉप माई कार एंड सॉ दैट देर वर सो मेनी चिल्ड्रन। स्कूल में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स होते हैं, एंड दे वर कमिंग इन द मॉर्निंग, यू नो, बाई डिफरेंट वेज। सो आई वॉज थिंकिंग दैट दिस इज अ गुड ऑब्जर्वेशन। टूडे आई हैड टू डू डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग में वॉट इज द मीनिंग ऑफ डाटा? वेन वी डू डाटा हैंडलिंग, तो वट इज द मीनिंग ऑफ डाटा? डाटा मीन्स आई हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। इफ आई गो टू द प्रिंसिपल, आई गो इन ऑफिस ऑफ अ स्कूल, आई कैन आस्क देम कि प्लीज कैन यू टेल मी हाउ मेनी चिल्ड्रन कम वॉकिंग टू द स्कूल, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय कार, हाउ मेनी चिल्ड्रन कम बाय ऑटो और स्कूल बस। तो दिस इंफॉर्मेशन, वेन आई गैदर दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्कूल, इट मीन्स आई एम कलेक्टिंग अ डाटा। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एंड वेन आई अरेंज दीज स्टूडेंट्स, अभी मेरे को चलो डाटा कलेक्ट कर लिया, मेरे को पता चल गया कि ये कलेक्शन है, उसका वो बना लिया मैंने कि हाँ बाय बस इतने आ रहे हैं, बाय वॉकिंग इतने आ रहे हैं, और ये सारा। और वेन आई हैव टू शो दिस रिपोर्ट टू समबडी एल्स, ठीक है, किसी ऑफिस में जाना है, मेरे को बताना है कि ये स्कूल है, स्कूल के बच्चे कैसे कैसे आते हैं, कॉम्यूट करते हैं फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो मैं उसको ब्यूटीफुली अरेंज करूंगी ना, ऐसे तो नहीं दे दूंगी कि कलेक्शन दे दिया पूरा, जो वो बना दिया ना कि हाँ 150 चिल्ड्रन, 200 चिल्ड्रन, 180 एंड सो ऑन, तो वो थोड़ा सा अगली लगेगा। जैसे आप बैठे हो कितना अच्छे से नाइसली अरेंज होके बैठे हो, तो ऐसे ही मेरे को डाटा जो मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी उसको भी मेरे को अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा टू शो इट टू समबडी, इज इट और नॉट? तो वो दिखाने के लिए, टू रिप्रेजेंट द माई डाटा, टू रिप्रेजेंट माई इन्फॉर्मेशन टू समबडी एल्स, I will arrange it nicely in the form of graph or in the form of table, so that it should be clear to the person जिसको मैं दिखाने जा रही हूँ। मैंने तो खुद देखा था वहां रुक के, बट जिसको मैं दिखाने जा रही हूँ उसने तो नहीं देखा, उसको तो मेरी इंफॉर्मेशन से पता चलेगा, मेरे ग्राफ से, मेरे टेबल से पता चलेगा कि मैंने आज क्या देखा वहां पे और कितने कितने बच्चों की रेशियो है वहां पे और कैसे कैसे आ रहे हैं, ठीक है बच्चे। सो दिस इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन विच आई कलेक्ट, एंड डाटा हैंडलिंग इज द अरेंजिंग ऑफ दैट डाटा इन पर्टिकुलर फॉर्म, या तो ग्राफ की फॉर्म में या उसको टेबल की फॉर्म में, ठीक है। ग्राफ आपको पता है, आपने स्मॉल क्लासेस में भी किया होगा, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, समटाइम वो लाइन की फॉर्म में आता है, समटाइम किसी और की फॉर्म में आता है, आपने राइट आपने देखा होगा, फिजिक्स में भी देखा होगा, साइंस में भी पढ़ते हो। एंड आज जो हम करने वाले हैं डेटा हैंडलिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हैंडलिंग इन द फॉर्म ऑफ सर्कल ग्राफ, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इजी ऑल्सो, बेटर देन दोज कि वहां पे आपको पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स लेते हो, वाई एक्सिस पे पॉइंट्स लेते हो, कई बार वो यू नो बड़े छोटे भी हो जाते हैं, वी हैव टू टेक इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सर्कल ग्राफ में ऐसा नहीं है, सर्कल ग्राफ इज वेरी इजी टू ड्रॉ एंड वेरी इजी टू रीड ऑल्सो, फाइन बेटा। So today we are going to start this data handling with pie chart. Pie chart is a particular topic in your book. Fine. So what we do,
Learning objective means what we are going to learn in this. To learn the difference between pie chart and bar graph. Bar graph सबको पता है, आपको पता है कि आप bars draw करते थे ऐसी वाली. You remember x axis और y axis को लेके ऐसे bar graphs draw करते थे small classes में. Yes or no? Please raise your hand. Yes. Everybody knows? Very good. Everybody knows? We used to draw the information in the form of bar graph. And today we are going to read about pie chart also, which is different from that. And to learn the that pi corresponds to the word whole. Pi ka matlab the whole, circle as a whole. Fine. Aur uske jo sectors honge, different parts honge, they are called sectors. Okay. I'll show you a picture. Aapki module mein bhi picture bani hui hai. There is a circle and there are different parts. Radii bane hue hain, alag alag radius hain. Unke jitne bhi ye chote chote uske parts honge circle ke, they are called sectors of a circle. That you know, aapne padha bhi hoga. Fine. So, to convert data into degrees of fraction, कोई भी डाटा आपको दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है या उसको डिग्री की फॉर्म में निकालना है. डिग्री मीन्स एंगल की फॉर्म में निकालना है. ठीक है, दैट विल चूज. देन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू व्हाट वुड यू लर्न एट द एंड ऑफ द लेसन विल बी इंफॉर्मेशन ऑफ द पाई चार्ट इन डिग्रीज. जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है पूरी की पूरी, आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स दिए होंगे कि फ्यू चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल, फ्यू चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग क्रिकेट, दिस दैट. तो ऐसी इंफॉर्मेशन पूरी आप जो है वो पाई चार्ट के ऊपर कलेक्ट कर सकते हो डिग्री फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में, कि टोटल बच्चों में से कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक टू प्ले फुटबॉल आउट ऑफ टोटल. ठीक है, तो हम सर्कल ग्राफ को देख के वी कैन टेक आउट द वैल्यू एंड वी कैन नो वेरी वेल. देन फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ द डिफरेंट स्लाइसेस. स्लाइसेस मीन्स सेक्टर्स. इसके डिफरेंट नेम्स होते हैं. आप डिफरेंट डिफरेंट जब बुक्स पढ़ोगे ना बेटा, रेफरेंस बुक्स देखोगे, किसी में पार्ट्स ऑफ अ होल लिखा हुआ है, किसी में स्लाइसेस ऑफ अ सर्कल लिखा हुआ है, किसी में सेक्टर ऑफ अ सर्कल लिखा हुआ है, किसी में पार्ट ऑफ अ सर्कल लिखा हुआ है. ऑल आर सेम. डोंट गेट कंफ्यूज कि ये डिफरेंट वर्ड है. अब आप बड़े हो रहे हो तो ट्राई टू यूज डिफरेंट टर्म्स. फाइन बेटा, दे हैव द सेम मीनिंग. सो टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है, जितने भी कॉम्पोनेंट्स हमें ब्रेक करके दिए होंगे उनको हम ऐड कर लेंगे. वी विल कम टू नो कि टोटल कितना था. इज इट देन कंपेयर वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विद अदर. कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमें सर्कल ग्राफ दिया हुआ है, वी कैन सी कि अच्छा फुटबॉल के इतने हैं तो और उसके कितने होंगे, क्रिकेट के कितने होंगे. कैन यू सी हियर वेरी नाइसली, कैन यू सी ये थोड़ा सा बिगर सेक्टर लग रहा है और ये थोड़ा सा छोटा सेक्टर लग रहा है. तो नेचुरली वी कैन कंपेयर विच काइंड ऑफ पीपल, विच काइंड ऑफ गेम चिल्ड्रन लाइक टू प्ले मोर. Are you understanding? Yes, please raise your hand. Very nice. Fine. Then use the formula for finding the central angle. This is the most important formula. This is the only single formula which you will use again and again in different questions. That is central angle. What is central angle? I'll let you know just now. Central angle ka formula hai value of the component divided by sum of the values into 360 degree. I'll tell you how. Abhi, we are going to start the module. I'll let you know where it is used and how it is used. How to think of ki value of component kya hota hai, sum of the values kya hota hai, or 360 degree, why we are using 360 degree. I'll let you know. Please open your module. Module 2, data handling, first question. Yeah. Everybody can see there is a figure. Observe the figure first of all. Can you see in the figure there are muscles 1/3 fraction likhi hui hai inki na. Fine. 1/3 for muscles, skin ke liye 1/10 likha hua hai, bones ke liye 1/6 and other is other type of enzymes in the body. Theek hai. So the question is, please read it in your sheet. I will read it here because jab aap read karoge you will understand it better. And if you want, aapke paas pen ya pencil jo bhi hai, please try underlining the things jo aapko important isme lag rahi hai. I'll tell you ki underline karoge to aur zyada wo you know it is grasping in the mind. Jab bhi koi cheez aap pen se underline karke, pencil se underline karke padhte ho, it goes directly into your brain. Because at moment jab aap baithe ho, aapke mind mein bahut sari baatein chal rahi hai na. Hota hai na, you came from home, teacher se baat ki hai, aake you are sitting here, so aapke arrangement hua hai baithne ka, so many things are going on in the mind.
So how to concentrate in the question now? By holding your pen in hand and keep, marking lightly कि हाँ अभी हम what is given and what is to be found. Okay, I am reading the question. Please go with me. आप भी read करो, lip sync करो in mind. Then you will understand. The given pie chart represents the distribution of proteins in parts of a human body. Human body में proteins होते हैं, everybody knows, science में पढ़ा है आपने. Okay, what is the ratio of distribution of proteins? They are asking ratio. Ratio को underline करो. Please underline ratio. Why? Because they are asking us what is the ratio. हमने concentrate करना है, हमने किस पे concentrate करना है? Ratio को निकालने पे. अब किसकी ratio? Ratio everybody knows. What is ratio? Who will tell me? Akshat is there? Can I ask Akshat? What do you mean by ratio? Ratio अगर find out करनी है तो क्या mind में आएगा आपके कि क्या आना चाहिए? Tell in your own words. कोई definition नहीं बतानी, कुछ नहीं. Okay, ma'am. Ratio means? Ma'am, ratio means when we cut the number in the lowest form and turns them into ratio form. Excellent. Sit. He said ki when we cut. तो हम कट कब करते हैं? जब वो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है. यू नो इट ना, व्हेन द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं 1/3, 1/10, 1/6, तो रेशियो फॉर्म में ही हमने आंसर निकालना है. फाइन. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स इन द मसल्स, ठीक है, टू दैट ऑफ प्रोटीन्स इन द बोन्स. ठीक है, तो रेशियो हमने निकालना है. आपको सब इसमें दिख रहा है कि मसल्स का कितना रेशियो दिया हुआ है, 1/3. कैन यू से इट वेरी क्लियरली? एंड इन द मसल्स टू दैट ऑफ प्रोटीन्स इन द बोन्स. बोन्स में कितने प्रोटीन है? 1/6. मसल्स में कितने प्रोटीन्स है? 1/3. तो टू को भी अंडरलाइन करो, प्लीज अंडरलाइन टू ऑल्सो. टू का मतलब कि हमें डिफ्रेंशिएट किसको करना है? मसल्स रेशियो बोन्स. मसल्स रेशियो बोन्स. आपको स्टेटमेंट से पढ़ के ये पता चल रहा है कि मेरे को ऊपर मसल्स के बारे में लिखना है और नीचे बोन्स के बारे में लिखना है. क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी? प्लीज रेज योर हैंड. यस, वेरी नाइस. नो, यू हैव टू टेल द रेशियो ऑफ मसल्स एंड बोन्स के प्रोटीन्स. सो मसल्स का कितना है? 1/3. रेशियो बोन्स का है 1/6. ओके, रेशियो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, बट अभी आप 8th क्लास में हो तो अभी फ्रैक्शंस की रेशियो है. एक तो नॉर्मल होती है 3:6, अब ये आपकी 1/3 रेशियो 1/6 है. तो आई कैन राइट इट एज 1/3 upon 1/6. रेशियो का मतलब अपॉन ही होता है ना, ऊपर वाला न्यूमिरेटर, दिस वन न्यूमिरेटर एंड दिस वन डिनोमिनेटर. आपने ऑलरेडी किया हुआ है. हाउ टू डील विद फ्रैक्शंस जब वो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं? कैन एनीवन टेल मी? सिद्धार्थ, आर यू देयर? और एनीबडी एल्स हु वांट्स टू टेल मी कि फ्रैक्शंस को हम इसको रेशियो में कैसे डील करते हैं? बाय द रेसिप्रोकल फॉर्म. बाय द रेसिप्रोकल. एक्सेलेंट. वी विल डू रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर. आई विल राइट इट एज 1/3 × 6/1. वी कैन कट इट, जैसे वो पहले उसने बताया था बॉय ने, कि वी कैन कट अप एंड डाउन. वी कैन कट. जब वो लोएस्ट फॉर्म में आता है, दैट इज कॉल्ड द फाइनल रेशियो. इट मींस द रेशियो इज 2:1. जब आप 6th में थे, 7th में थे, तो आपका आंसर आप लिख देते थे कि आंसर इज 2. बट अभी आपसे रेशियो पूछा है, तो यू विल राइट इज 2:1. इज इट क्लियर बेटे? सो व्हाट दिस ऑप्शन इज मैचिंग विद द आंसर? कैन यू टेल मी? ए बी सी और डी? Yes, first boy, I can see your hand. First boy. Yeah, please tell me which option is matching. D. D, excellent. 2:1. Fine, this is the answer. Please tick mark it. Fine. Let's move to next question. Next question is second question. It has no figure. Figure is not given. Fine. होल्ड योर पेन, आई टेल यू किसको अंडरलाइन करना है. ठीक है, मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन इज ₹15,000. मंथली सैलरी, इट मीन्स की टोटल सैलरी आपको पता है, टोटल आपको बताया है. हाँ, जस्ट अ मिनट.
टोटल सैलरी यू नो टोटल इज 15,000 रुपीज. ठीक है, जो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था ना सेंट्रल एंगल का, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिनोमिनेटर, वो सम है, ये सम है वो 15,000. नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू है ये. ठीक है, देन द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग हिज एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड हाउस. अब सेंट्रल एंगल हाउ विल यू फाइंड, अभी जैसे ये सर्कल है सपोज, ठीक है, सेंट्रल ये दिस इज रेडियस, दिस इज अगेन अनदर रेडियस. तो आपको ये सेंट्रल एंगल, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल ऑफ अ पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट. पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट क्या है इसमें, दैट इज फूड एंड हाउस. अभी हम पूरी सैलरी में से सिर्फ फूड एंड हाउस की बात कर रहे हैं, तो हम एक कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं. इज इट क्लियर? यू नो, एवरीबडी नोज, ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है. एवरीबडी नोज, यस, प्लीज रेज योर हैंड. यस, यू हैव दैट यू हैव रेड ऑलरेडी, ये कंप्लीट एंगल पूरा जो सेंटर पे होता है दैट इज 360 डिग्री. एंड जो अभी टोटल वैल्यू दी है दैट इज 15,000, एंड एक्सपेंसिस ऑन सेंट्रल एंगल इज गिवन 60 डिग्री. तो ये दे आर सेइंग कि दिस इज 60 डिग्री एंगल. सपोज दिस इज 60 डिग्री एंगल विच शोज 60 डिग्री एक्यूट एंगल होता है, तो इसलिए मेरे को एक और रेडियाई बनाना पड़ा, यू नो, अदरवाइज मेरे दोनों ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे थे. कुड यू सी, जब मैंने टू रेडियस रेडियाई ड्रॉ किए थे तो मेरे पास दोनों ऑब्ट्यूज एंगल बन रहे थे. अब मैंने देखा कि वो 60 डिग्री है, मेरे को एक और रेडियस ड्रॉ करना पड़ा उसको स्मॉल करने के लिए, बिकॉज 60 डिग्री इज एक्यूट एंगल. इज इट क्लियर बच्चे? तो अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन फूड एंड हाउसेस, हाउस रेंट इज. सो प्लीज अंडरलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, रेंट ऑन पाई चार्ट इज 60 डिग्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप यूज करने वाले हो. सेकेंड अंडरलाइन करो द अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन दिस, जो हमने फाइंड आउट करना है कि कितनी अमाउंट है जो वो उसके ऊपर स्पेंड करता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें फॉर्मूला आना चाहिए, सेंट्रल एंगल. प्लीज राइट द फॉर्मूला, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट, वैल्यू ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन सम ऑफ वैल्यूज. सम ऑफ वैल्यूज मीन्स कि पूरा का पूरा टोटल आपको कितना दिया हुआ है, जो कि आपको 15,000 गिवन है, इनटू 360 डिग्री. दिस इज द फॉर्मूला विच यूल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला, इसके बिना फिर आपको समझ नहीं आएगा. ओके बच्चे, सो सेंट्रल एंगल ऑफ अ कॉम्पोनेंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ द वैल्यूज इंटू 360 डिग्री. तो अभी दे आर आस्किंग अमाउंट ही स्पेंड, अमाउंट का मतलब हमने रुपीज निकालने हैं. तो लेट अमाउंट आर रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट मीन जो कि जो उन्होंने फूड और रेंट के बारे में पूछा है, हाउस के बारे में पूछा है, तो दैट विल सपोज एज अमाउंट इज इक्वल टू एक्स. रिक्वायर्ड अमाउंट मीन्स कि जो उन्होंने पूछा हुआ उसको हमने एक्सपोज कर लिया. अब नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट हियर? मेरे को 15,000 भी है, एक्स भी है और 360 डिग्री भी है. आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला. ओके, तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल हियर? व्हाट इज गिवन? 60 डिग्री. आई विल यूज दिस फॉर्मूला, आई कैन राइट इट एज, यहाँ पे फॉर्मूला के नीचे सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री. वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट कितनी है मेरे पास, वो मैंने सपोज किया है एक्स. सम ऑफ द वैल्यूज कितनी है? 15,000 इंटू 360 डिग्री, विच इज फिक्स. 360 डिग्री तो फिक्स ही है. हैव यू अंडरस्टूड हाउ वी आर यूजिंग दीज वैल्यूज हियर इन द फॉर्मूला? सेंट्रल एंगल वॉज गिवन 60 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी सेंट्रल एंगल की. देन वैल्यू ऑफ द कॉम्पोनेंट की कितनी अमाउंट यूज करता है फूड एंड हाउस पे, दैट आई हैव सपोज एज एक्स, तो मैंने उसको एक्स पे लिख दिया ऊपर न्यूमिनेटर में. सम ऑफ द वैल्यूज, पूरी अमाउंट उसके पास कितनी है? 15,000, दैट आई हैव रिटन इन द डिनोमिनेटर इनटू 360 डिग्री. प्लीज कैलकुलेट, प्लीज कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट इज एक्स. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. या वेरी गुड सो फास्ट.
is 2,500. 2,500. Excellent. You have done it so fast. Please try. I'll tell other children also. I'm giving you 1 minute. Please do it yourself. This is very easy calculation. Answer is coming 2,500. How? Please do it faster. Do it in your worksheet only. Agar aapke pas rough page hai ya rough notebook hai, you can try in that. This is very very small calculation. So answer is 2,500 rupees. Yes, I can see you are raising your hand at the front. Yes. Please stand. Yes, you can tell me. And the answer is 2,500. 2,500. It means he is spending 2,500. He is spending 2,500 on food and this house rent. Question is clear? If any doubt, please stand and ask me. Yes, These are very typical questions. These are they come in tests and जितनी भी आप आर एस अग्रवाल या और रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो आपकी एनसीईआरटी में भी हैं बट दे आर लेस क्वेश्चन अदरवाइज आप रेफरेंस बुक्स में देखोगे ना बेटा जितने भी आपकी अदर आप एग्जाम्स के लिए यूज करते हो बुक्स दिस इज दिस क्वेश्चन फॉर्मूला इज यूज वेरी प्रोमिनेंटली वेरी मच यूज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इनका मीनिंग क्या है फॉर्मूला के अंदर इनका अगर मीनिंग पता है ना देन इट इज वेरी वेरी सिंपल. Sometime total is not given, sometime value is not given, sometime central angle is not given. ठीक है, एक चीज जो नहीं पता है उसको एक्सपोज कर लो, बाकी सब लिख दो. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सो लेट अस स्टार्ट नेक्स्ट वन. या केस स्टडी, लुक डाउन इन योर शीट्स, होल्ड योर पेन, वी हैव टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स. केस स्टडी, गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट showing the time spent by a group of 350 children. Please underline group of 350 children. This is very very important information jo humne use karni hai. Group of 350 children in different games. ठीक है, अभी वो गेम्स वाला क्वेश्चन आ गया फिर से जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फुटबॉल क्रिकेट दिस दैट. दिस इज वेरी वेरी ये क्वेश्चन काफी टाइम्स आता है, ये प्लेइंग गेम्स वाला या मनी स्पेंट ऑन दिस. बुक्स देखोगे ना आप, ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट नाइसली. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स आर 350. प्लीज अंडरलाइन इट, 350 चिल्ड्रन इन डिफरेंट गेम्स. ठीक है, अब ये कैन यू टेल मी 350 कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा या फिर न्यूमिनेटर में आएगा? टोटल स्टूडेंट्स आर गिवन डिनोमिनेटर में, इज इट? टोटल वैल्यू है तो इट विल कम इन डिनोमिनेटर, जो प्रीवियस फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो. ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट आर दे आस्किंग नाउ. ऑब्जर्व इट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो दैट फॉलो. ओके, कैन यू सी हियर चार्ट बेटा? इसको बेटा सी इट वेरी वेरी केयरफुली बिकॉज डिजाइन आर देयर. आपको रिकॉग्नाइज करना है डिजाइन को. फर्स्ट इज दिस पैटर्न इज देयर, ये पैटर्न मैच करो लेस देन 1 आवर. लेस देन 1 आवर कहाँ पे मैच कर रहा है? दिस इज मैचिंग टू 6%. कैन यू सी? यस मैम. This is showing 6%. See the pattern very very carefully. Then second pattern is they are showing 1 hour. Fine. 1 hour कहाँ से pattern? आपका dots वाला. Dots वाला it is representing 16%. Then there is straight lines. Straight lines 2 hours. 2 hours is representing by 30%. मैम 30%. Yes. Please observe it and keep writing. You also write over there. क्योंकि इनको हमने यूज करना है. वी हैव टू यूज दिस इंफॉर्मेशन इन आवर क्वेश्चंस. प्लीज राइट डाउन इन फ्रंट ऑफ दैट. जैसे मैं लिख रही हूं ना, आप भी लिखो बेटे. यूज योर पेन और पेंसिल वट एवर, राइट इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स कि कितने कितने परसेंट है. देन यू कैन सी देर इज 3 आवर्स. 3 आवर्स में देर इज नो पैटर्न, नो डिजाइन, इट इज अ ब्लैंक बॉक्स. एंड ब्लैंक एरिया में आपको कितना परसेंट दिख रहा है? दिस इज 34%. Everybody can see. Then it is triangle. Pattern is triangle. Triangle की pattern में क्या है? 10%. Then it is straight lines. Last वाला 4%. 4%. 4%. Yes. We have collected all the information in front of us. अभी हमने इनको use करना है. Okay. First question. How many children spend at least 1 hour in playing games?
How many children spend at least 1 hour? At least 1 hour means? What do you mean by at least? At least, please underline it. 6%, less than 1 hour. Pardon, who is speaking? 6% of total. Please, okay, yeah, okay, sit down, good. Beta, this is not exactly 1 hour. This is not less than 1 hour. This is at least का मतलब कि कम से कम वन तो करता ही है और कम से ज्यादा वन से ज्यादा भी कर सकता है. ओके बच्चे, एटलीस्ट आपका अभी यस बनार यस यस मिनिमम बनार या मिनिमम 1 आवर. या एक्सेलेंट, ही स्पोक द करेक्ट वर्ड. उसे बुकिश लैंग्वेज बोली है मिनिमम 1 आवर. प्लीज क्लैप फॉर हिम. आई एम सो हैप्पी टू हियर. उसने ऑलरेडी, आई थिंक ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड. आई थिंक तो ही स्पोक वेरी वेल. ही सो ही सेड मिनिमम 1 आवर. मिनिमम 1 आवर की 1 आवर तो मिनिमम लेता ही है, उससे ज्यादा भी ले सकता है. इट कुड बी मोर ऑल्सो. तो एटलीस्ट का मतलब है कि 1 आवर और मोर. प्लीज राइट डाउन 1 आवर और मोर. अभी तो यू आर ग्रोन अप, बड़े हो गए हो. मुझे लगता है जब छोटे थे तब ज्यादा खेलते हो गए आप, 1 आवर से भी ज्यादा खेलते हो गए. अभी तो इतना टाइम नहीं मिलता होगा, तो एटलीस्ट 1 आवर तो सबको वैसे खेलना ही चाहिए. इज इट फॉर फिजिकल गुड, यू नो, फिजिकल, दैट इज अ गुड फिजिकल एक्सरसाइज. या फाइन. सो हाउ मेनी चिल्ड्रन स्पेंड एटलीस्ट 1 आवर इन प्लेइंग गेम्स? तो एटलीस्ट 1 आवर इसका मतलब है क्या है कि हमने ये तो यू नो लेस देन 1 आवर है, ये वाला 6 वाला लेस देन 1 आवर. ये तो हमारा फिर मैच ही नहीं कर रहा इसके साथ. ठीक है, हमारे कौन से मैच करें? या तो 1 आवर या 2 या 3 या 4 या 5. तो हम सब तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे. वी विल ऐड देम ऑल. प्लीज डू इट. वी विल डू 64. कैन यू सी ऑन द बोर्ड बेटे? +10 +4. वी विल ऐड देम ऑल. ये पूरी परसेंटेज को प्लीज ऐड देम ऑल. प्लीज टेल मी आफ्टर एडिंग व्हाट इज कमिंग. कैन यू आस्क अंशिका? आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम गर्ल्स ऑल्सो. इट्स ओके इफ यू आर नॉट देयर. फाइन. या प्लीज टेल मी. 94%. Excellent. You have done it so fast. It is 94%. It means ki 94% children are there who like to play games more, one or more. Nikalni hai, how many children? Number of children nikalni hai. So it means ki 94% of kitne, kis total bache, kitne the? 350. 94% of 50. Calculate. Please tell me. Total children 35, 350 the. We are calculating 94%. Parth is there. Can I ask Parth? Somebody is raising his hand. Please tell me. 329. 329. तो स्वीट, ये आपने ऑलरेडी किए भी हुए ऐसे वाले क्वेश्चन, सेवेंथ क्लास में किए थे, फ्रैक्शंस वाले, परसेंटेज वाले. फाइन. सो आंसर इज 329. प्लीज टिक मार्क बी ऑप्शन. ऑल राइट, लेट्स मूव टू द सेम गेम्स. मोर देन 2 आवर्स, ये तो बहुत क्लियर है. मोर देन 2 आवर्स मेरे को दिख रहा है यहाँ पे. मोर देन 2 आवर्स यहीं पे आएगा सारा. कैन यू सी मोर देन 2 आवर्स में आपको क्या क्या दिख रहा है? 34, 10 एंड 4. ये भी सेम है. सबको प्लस करो और सेम वे में इसका आंसर निकालो. मोर देन 2 आवर्स में वी विल एड दीज थ्री, यू नो नीचे वाले. वी विल एड दीज ऑल थ्री. इनकी जितनी जितनी परसेंटेज है. या प्लीज, आई कांट हियर यू बच्चे. 168. 168. आंसर इज 168. ओके, लेट मी टेल एवरी वन कि इसका वो फ्रैक्शन क्या आ रहा था. 48% ऑफ 350. जब हमने इनकी परसेंटेज को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा था 48%. तो 48% ऑफ टोटल चिल्ड्रन विल बी कमिंग 168. बच्चे सीधा, यू नो, इफ यू आर अनेबल टू कैलकुलेट नाउ, प्लीज राइट द हिंट सो दैट यू कैन डू इट वेन एवर यू आर फ्री. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यू कैन डू एट होम, यू कैन डू इन फ्री टाइम इन स्कूल. ओके, राइट द हिंट एटलीस्ट हु आर अनेबल टू कैलकुलेट नाउ एट प्रेजेंट. And try to understand. Understanding is more important. Okay, third part. How many children spend 3 or less hours in playing game? It is similar. Please try it yourself. This is very, very simple. 3 hours or lesser hours. Yeah. 301. Pardon? 300? One. Excellent. Yes, he is right. Answer is part A. Who are unable to do it now, please try at home. This is same. All three parts are same. Agar aapko first two samajh aa gaye hain, to third is also similar. Bilkul exactly same.
Please turn the page now. We are moving to the next question. Next is yeah, question number there, the pie chart shows the result of a survey carried out to find the modes of travel used by the children to go to school. You know, is it relating to my story which I told in the morning? How are children coming to the school, by which mode they are coming? Okay, can you see in the chart, there is a car, there is a bus, then cycle, then walking by taxi, this that. छोटे से पाई चार्ट में एक सर्कुलर फॉर्म में आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई है, ठीक है? और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन हियर, कि वो डिग्रीज में है, कि एंगल जो सर्कुलर सेंट्रल एंगल जो बन रहा है, डू यू अंडरस्टैंड कि सर्कल के अंदर जो एंगल्स बन रहे हैं अलग अलग सेक्टर्स में, दे आर कॉल्ड सेंट्रल एंगल्स. यू नो सो मेनी सेंट्रल एंगल्स आर गिवन, बट टैक्सी का नहीं गिवन है. This is central angle of bus, this is central angle of car, this is for cycle, this is for walking. तो अब हमने central angles को use करना है, okay? So first question is, what fraction of children travel by car? What fraction? अभी हमें fraction की बात करनी है, हमने something numerator में लिखना है और something denominator में लिखना है. Yes? 1/4, right? Because it is 90 degree upon 360 degree. When we cut it, it will become 1/4. Can you cut it like this? 9 ones are, then 9 fours are 36. It is 1/4. क्योंकि हमने फ्रैक्शन निकालना था, तो आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में ही देना है. ओके बच्चे, फाइन. सेकंड क्वेश्चन, इफ 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, प्लीज अंडरलाइन 18. दिस इज वेरी गुड इंफॉर्मेशन जो अभी हमने यूज करनी है. अंडरलाइन 18 चिल्ड्रन ट्रेवल बाय कार, हाउ मेनी चिल्ड्रन टुक पार्ट इन द सर्वे? I'm 72. Who told? Please stand. Yeah, 72. But how? Please tell me the way also. Please tell. Can you tell me the how? How did you calculate it? I mean, if 18 is 1/4, then 18 into 4 will be the total number of students. Yeah, they are asking. Yeah, sit down. ये बता जो first two questions हैं ना, ये आपने seventh में भी किए हुए हैं ऐसे questions fraction वाले. Don't think कि वो eighth class में है तो कुछ new होगा. They are in this question they are asking the information which you have used already in seventh class. तो प्लीज माइंड इट कि आप जो भी क्लास में जाते हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि कुछ नया 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 ही पढ़ने को मिलेगा. आप जो प्रीवियस पढ़ते आ रहे हो उसको भी यूज करते हो हमेशा. सो प्लीज बी अवेयर ऑफ द थिंग्स. अभी जो आप आज कर रहे हो पाई चार्ट, आगे भी यूज करोगे. इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, ज्योग्राफी में भी यूज करते हो. इज इट ओके बच्चे? तो प्लीज ग्रैस्प द यू नो नॉलेज ऑफ द टॉपिक, कि क्या पाई चार्ट है, वो क्या आपको सिर्फ वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट गिवन है. वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में बताया हुआ है, और टोटल निकालना है. अब इस क्वेश्चन में आपको टोटल निकालना था, तो टोटल इट इज 72. फाइन, वेरी गुड. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. हाउ मेनी चिल्ड्रन यूज टैक्सी टू ट्रेवल टू स्कूल? अभी टैक्सी के बारे में तो कुछ और ना हम इन्फॉर्मेशन है कि कोई फ्रैक्शन पता है इसके बारे में, तो हम क्या करेंगे? वी विल यूज अदर डिग्रीज. हमें पता है कि टोटल जो होता है वो 360 डिग्री होता है, तो हम टोटल में से बाकियों को माइनस कर देंगे, तो टैक्सी की डिग्री हमें पता चल जाएगी. प्लीज एड इट, एड देम ऑल एंड टेल मी व्हाट इज कमिंग. 1, 2, 3, 4. यस, दिस इज आंसर 6. No, tell me what is total of all these degrees other than taxi. 330. This is 330. Fine. So we can find out ki what is the central angle of taxi. That will be 360 is equal to 30 degree. We have come to know ki iski 30 degree aa rahi hai. So abhi they are asking us how many children use taxi. Abhi humne students nikalne hain. So uske liye agar aapko aur easy way mein karna hai, to degrees 30 degree upon 360 degree. Ki abhi humne hame jo samne total 360 tha, to maine usko jab use kiya, to I found it is coming 1 upon 12. फ्रैक्शन मेरे को पता चल गया कि 1/12 चिल्ड्रन जो है फ्रैक्शन जो बच्चों का है, दे आर कमिंग बाय टैक्सी. बट अभी फ्रैक्शन पता बच्चे, आंसर इज 6. वेरी गुड, वेरी गुड. लेट मी टेल टू ऑल अदर चिल्ड्रन आल्सो हु हैव नॉट सॉल्वड इट. तो 1/12 ऑफ टोटल 72. सो प्लीज टिक मार्क इट एंड राइट द हिंट. जिनका सॉल्व नहीं हुआ प्लीज राइट द हिंट. यू कैन डू इट इन डिटेल कि पहले हमने डिग्री निकाला, डिग्री से हमने फ्रैक्शन निकाला, फ्रैक्शन से हमने नंबर निकाल लिया. हाफ क्वेश्चन आपका एट क्लास का है, हाफ क्वेश्चन आपका सेवेंथ क्लास का है, इज इट ओके? फाइन, लेट स्टार्ट असर्शन रीजनिंग. रीजन क्वेश्चन अगेन, यू आर अंडरस्टैंडिंग. लेट पाई चार्ट और अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट्स. ट्रू और फॉल्स? आई वांट टू आस्क ईशान. ईशान, आर यू देयर? या प्लीज टेल मी दिस इज ट्रू और फॉल्स. फॉल्स.
दिस इज फॉल्स. False. ओके सिट डाउन लीजा. एनी अदर गर्ल, एनी अदर स्टूडेंट. अ पाई चार्ट और अ सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स It's पार्ट. true. इट्स ट्रू. प्लीज अंडरलाइन करो रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड इट्स पार्ट. इसको अंडरलाइन करो, तब आपके माइंड में जाएगा ये कि वो पूछ क्या रहे हैं. ठीक है, एक होल पूरा सर्कल हमारे पास बना हुआ है, तो जो हमारे टैक्सी वाले स्टूडेंट्स हैं, हुकम बाय टैक्सी, उनका पूरों के साथ, पूरे स्टूडेंट्स के साथ क्या रिलेशन है. तो हमने बताया था ना यहाँ पे कि 1/12 ऑफ टोटल. 1/12 ऑफ टोटल क्या बता रहा है कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो पार्ट ऑफ अ होल था उसका क्या रिलेशन है कंप्लीट के साथ. आपको पता चल गया कि टोटल में से 72 में से ऑफ अ होल एंड होल. दिस इज ट्रू. रीजन इज द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन पाई चार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द इन्फॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स. अब साइज ऑफ द सेक्टर, हाँ इट इज ट्रू या यस? यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल. बोथ आर ट्रू, बट आर दे रिलेटेड? जो सेकंड इन्फॉर्मेशन दिया, रीजन बताया, वो कुछ और का रीजन बताया. जो ऊपर वाला था इसे, वो कुछ और था पाई चार्ट के बारे में, दूसरी इन्फॉर्मेशन थी. तो इसलिए इसकी ऑप्शन क्या आएगी? बी. व्हाई? बिकॉज रीजन इज करेक्ट बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू द यू नो स्टेटमेंट जो हम बात कर रहे हैं. सो ऑप्शन इज बी. थर्ड क्वेश्चन, प्लीज होल्ड योर पेन एंड अंडरलाइन इट टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट. 25% ऑन अ पाई चार्ट इज इक्वल टू 90 डिग्री सेक्टर एंगल. दे आर आस्किंग 25% शोज 25% शोज 90 डिग्री एंगल ऑन द पाई चार्ट. आपके पास ये पूरा पाई चार्ट है, अगर मैं इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो 25% ऑफ 90 कितना होता है बेटा? प्लीज कैलकुलेट करो इसको. 25% ऑफ 90, 25% ऑफ 90 मतलब कि 25% कितना होता है बेसिकली? टेल मी, इतना ही बता दो बस. नॉट 90, टेल मी व्हाट इज 25%. Now it's true. इट्स ट्रू यस, बिकॉज 25% मीन्स 1/4 90. या 90. यू नो यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री एंगल्स ड्रॉ कर दूँ सारे के सारे सर्कल के अंदर, ईच 90 डिग्री कर दूँ, 90 90 90, तो इट दे विल मेक अ 360 ऑल टुगेदर. और ईच पार्ट इज 1/4. जब आप पिज्जा खाते हो, पिज्जा के 1/4, एक पिज्जा में अगर 4 स्लाइसेस करते हो तो ईच दैट फ्रैक्शन इज शोइंग शोइंग 1/4. 4 फ्रेंड्स कैन ईट वन यू नो फुल पिज्जा, ईच स्लाइस विद 1/4 पार्ट यू कैन ईट. तो दिस इज शोइंग 90 डिग्री. ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, एक सर्कल के अंदर आप क्लॉक में भी देखते हो. ठीक है, क्लॉक में भी अगर आप पूरा 6 o'clock है, 6:15 है, तो वो उनके बीच में कौन सा डिग्री एंगल बनता है? 90 डिग्री. सो इट इज ट्रू. देन रीजन इज इन अ पाई चार्ट टोटल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 360 डिग्री. वेरी वेरी सिंपल. या आई वॉन्ट टू आस्क एनी गर्ल, नमन, नमन और सम अवनी. अवनी इज देयर? आई वॉन्ट टू सी हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड. It's true. इट्स ट्रू. वेरी नाइस. सो ऑप्शन विल बी ए. बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर रिलेटेड, बोथ आर दे हैव गुड रीजन. वेरी नाइस. लास्ट क्वेश्चन इज इन अ पाई चार्ट टू सेंट्रल एंगल्स कैन बी 180 डिग्री. ट्रू और फॉल्स? यू ऑल गेट स्पीक टूगेदर. दिस इज वेरी वेरी सिंपल. इट्स ट्रू इज इट? रेज योर हैंड, येस और नो? एवरीबडी नोज दिस इज ट्रू. यू वेरी गुड. रीजन या वट आर यू सेइंग बेटा? माइक इज ऑफ बच्चे. वट डू वॉन्ट टू आस्क? प्लीज पुट ऑन योर माइक. आंसर आंसर इज ट्रू. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड रीजन इज 1/3 पार्ट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सेक्टर ऑफ 144. दे आर सेइंग कि 1/3 जो है उसका 360 डिग्री का, इट इज 144. इज इट सो? यस और नो? 360 का 1/3 144 होगा? नो, दिस इज फॉल्स. राइट, सो ऑप्शन विल बी सी. ए इज ट्रू एंड नेक्स्ट इज फॉल्स. सो एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द थिंग्स वेरी क्लियरली. दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू? नाउ लेट मी टेल यू वेयर डू यू यूज दिस ऑल. दिस आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. यू नो जब इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग्स होती हैं, रिजल्ट्स होते हैं, लास्ट में एट द एंड ऑफ, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, दे शो द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट. सी दिस, बीजेपी 53.2%,
Other 7.2%, different Aam Aadmi AAP 12.7%, INC 26.9%. See, how do they show in pie chart? This is so useful information. Different colors are showing different value of voting. किस किस कैंडिडेट को कितने कितने परसेंटेज की वोटिंग मिली है. एंड अदरवाइज ऑल्सो फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, जब एक बिल्डिंग बनती है, हाउस की कंस्ट्रक्शन होती है, कितना टाइप का मटेरियल यूज होता है, स्टील यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, ब्रिक्स यूज होती है. तो दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एट द एंड कैन बी शोन की इतनी परसेंट, 15% स्टील यूज हुआ है, हमारे पास ब्रिक्स 15% यूज हुई है. तो दिस इज कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन विच वी टेक लेटर. फाइन, दिस इज रियली यूजफुल इन योर दैट डेली लाइफ. एंड यू कैन मेक योर ओन पाई चार्ट ऑल्सो कि आज मैंने दिन में क्या क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया. यू कैन मेक योर ओन पाई चार्ट एंड कंपेयर विद ईच अदर किसने कितना खाया. इज इट और नॉट? कैन यू डू दैट इन योर फ्री टाइम? चलो गुड डे बच्चे, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय. स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. चलिए, सो डाउन डाउन, वेरी गुड. एवरीबडी हैज योर वर्कशीट्स? यस और नो? यस, ओके ओके ओके. चलिए जी, सो टुडे थोड़ा सा मैं बता दूं कि व्हाट इज अवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास, दैट वी विल नो the harmful effects of microbes. In last class, I had told you, and you also know, that many microbes are our friends as well as they are enemies. So, how the microbes are our enemies? कैसे हैं enemies वो? क्या कुछ करते हैं? क्यों हमारे दुश्मन हैं? ठीक है? तो we will, you know, at the end of the lecture, you will come to know that how the microbes जो है, what are the harmful effect of microbes or how the microbes are our enemies. And after that, you will come to know that why should not we eat, है ना, जो bread, जो एक बहुत अच्छा pizza लेकर आए हो आप, right? और दो दिन वो बाहर पड़ा रहा किचन में. After 2 days, what you will see that in at the corners, the green fungal growth occurs. दिल तो करता है यार कि भी ये साइड का उतारो और बीच बीच का खा लो, क्या है, इतना अच्छा है, राइट? दिल करता है, यस और नो? हाँ हाँ बोलो बेटा, जो दिल करता है, स्पीक द ट्रूथ. यस, मेरा तो दिल करता है कि साइड का निकालो और बीच का खा लो, इतना टेस्टी था, हमें हमने छोड़ दिया. बट यू शुड नॉट ईट, बिकॉज ऑल्दो इट डज नॉट अपियर इन द सेंटर, हमें लगता है सेंटर में कुछ नहीं है, बट देयर आर सम स्पोर्स इन द सेंटर ऑल्सो इन अदर पार्ट. एवरीबडी स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा होके बैठो बेटा. सबसे पहले तो सीधा, सेकेंड बेंच बॉयज, बातें तो बिल्कुल नहीं ऐसे ऐसे करके, बातें तो बिल्कुल भी नहीं क्लास में, एकदम सीधा, बैक स्ट्रेट, वेरी गुड. एंड आईज एज वेल एज ईयर्स ऑन द स्क्रीन. 40 मिनट्स, और अब तो हम थोड़ा सा कम ही रह गया हमारे पास टाइम, इट्स ओनली 30 मिनट्स. इन 30 मिनट्स कोई इधर उधर नहीं, ठीक है? आई विल टेल यू मेनी स्टोरीज टूडे, बट स्टोरी सभी मैं सुना पाऊंगी अगर मैं आपके साथ ये टाइम नहीं वेस्ट करूंगी कि चुप बैठ के रहो, इधर उधर मत देखो. ओके, ओनली देन आई विल टेल यू. मुझे पढ़ाना नहीं है, यू विल कंक्लूड योर सेल्फ. आई विल टेल यू ओनली स्टोरीज. सुनना चाहेंगे स्टोरीज, यस और नो? यस. सो आई विल टेल स्टोरीज, बट बिल्कुल ध्यान से कि मैम ने कौन सी स्टोरी सुनानी है. ये थोड़ा सा तो मैं बता दूं कि आफ्टर द लेक्चर यू विल कम टू नो दैट वी शुड नॉट ईट द इन्फेक्टेड फूड एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइजीन. ठीक है, कि हमने, हमारे मम्मी पापा कहते रहते हैं स्कूल से आयो, हाथ धो के आओ, हाथ धो के आओ. आपको लगता है हाथों में क्या है, कुछ भी नहीं है, साफ तो पड़े हैं, ठीक है, बट क्या हुआ, आपके पास वाले ने खांसी की है ना, स्नीजिंग की, तो वो जर्म्स जो है आपके हाथों में, आपके कपड़ों में वो आ गए. बट एटलीस्ट बिकॉज वी हैव टू ईट द फूड विद अवर हैंड्स, सो वी शुड वॉश अवर हैंड्स प्रॉपरली.
You have touched many things which are infected. That's why we should wash our hands properly. And I hope ki from today you will start washing your feet after going before going to bed. Not after going to bed, but before going to bed, always wash your feet also. क्योंकि हम हमेशा let us say हमने चप्पल भी डाली है बट हम बाहर जा रहे हैं, बाहर से सॉयल आ रही है, बहुत सारे जर्म्स आके पैरों के साथ आ रहे हैं. तो हाथ और पैर ये दो चीजें हमने बहुत साफ रखनी. इज इट ओके? चलिए जी. सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट अ लॉन्ग वे बैक टू फ्रेंड्स, है ना, जैसे होम अलोन थी ना, तो ऐसे ही टू नॉट फ्रेंड्स बट टू सिबलिंग्स, दे वर लेफ्ट होम by their parents because their parents have to go somewhere for 2 days, right? So suddenly their mother, right, she remembered that she has kept the paneer, hai na, bazaar se paneer mangaya tha, she has kept the paneer outside the fridge in the kitchen. So she called her elder daughter that keep the paneer in the fridge. But you know, when the parents are not at home, what the students do? They keep busy in their phones, in their TV, in their computer games, right? So both brother and sister, they were busy in, you know, in phones, computer games. They did not remember to keep the paneer in the fridge, right? It was a hot summer day. June ka mahina tha, bahut garmi thi. वो अपने कमरे में एसी चलाकर अपना लगे हुए थे. बट जैसे ही अगले दिन दिन में उन्होंने पिज्जा मंगाया, है ना, उन्होंने बर्गर्स मंगाए, मजे किए, मतलब ऐसे ही मजे करते हैं ना, है ना, करते हो कि नहीं? जब पेरेंट्स घर नहीं होते और पैसे दे जाते हैं कि भी आज मजे कर लेना, तो करते हो ना बाहर से खाना मंगा के, ठीक है? तो यही हुआ. बट वेन दे वोक अप इन द मॉर्निंग, दोनों अकेले थे, पनीर उन्होंने फ्रिज में रखा नहीं. जब वो सुबह जागे, when they woke up in the morning and entered in the kitchen, you know there was smell all over. किचन क्योंकि बंद थी, ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा हवा नहीं आ रही थी, गर्मी बहुत थी और बहुत स्मेल आ रही थी. उन्हें समझ नहीं आया कि क्या, कहाँ से स्मेल आ रही है, क्या है क्या नहीं. जैसे रॉटन एग्स होते हैं ना, सड़े हुए अंडे, वैसी स्मेल आ रही. एंड वट दे सॉ, they saw paneer in the plate and when they touched it was sticky, hai na, wo chipak raha tha aur usme se smell bahut aa rahi thi aur wo yellow yellow ho gaya. And the elder one, theek hai, jisko school mein bataya gaya tha kuch chemical reactions ke bare mein, she remembered that she had gone to the lab. What she had studied in the lab, let's see that. So she studied that when proteins break, they break, they form amino acids. Ammonia. And carbon dioxide. When the proteins break, they liberate, and in some it is H2SS hydrogen sulfide. The smell of hydrogen sulfide and ammonia. Ammonia, अगर आपने कभी देखा हो बेटा कि आपके घरों में या कहीं आपने देखा हो, जो हेयर डाइज लगाते हैं, हेयर कलर्स लगाते हैं, उसकी एक बड़ी स्पेसिफिक सी स्मेल होती है, दैट इज अमोनिया, है ना. आपकी मम्मा कभी लगा रही हो, कभी नेबर्स में कोई लगा रहे हो, ठीक है, तो वो कभी देखना, इट हैज अ स्पेसिफिक स्मेल ऑफ अमोनिया, राइट. देन द शुगर्स ब्रेक, शुगर्स जैसे स्टार्च है, ग्लूकोस है, जब वो ब्रेक करता है
then it breaks into alcohol and carbon dioxide. Likewise, when the fats break, they break into fatty acids plus alcohol. These give bad smell, alcohol. Okay? It gives smell as well as it deteriorates the food, fatty acids and alcohol. Here also alcohol, it gives bad smell. Right? So what happens? That the elder one, जब उसने देखा कि किचन में से स्मेल आ रही है, तो क्योंकि वो लैब में गई थी, तो उसको पता चला कि किचन में किसकी स्मेल आ रही है, इसकी और इसकी स्मेल आ रही है. The paneer was giving the smell of ammonia and hydrogen sulfide. It means this is paneer, and ये खराब हो चुका है. इट हैज बिन डिटीरियोरेटेड बाय बैक्टीरिया एंड इट इज गिविंग द स्मेल लाइक अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड. सो हु विल टेल मी, हिमांशु इज देयर? हिमांशु मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि पनीर इज गिविंग द स्मेल ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड एंड यू नो अमोनिया. तो इट मीन्स विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन द पनीर? प्रोटीन. Proteins, very good, very good. बैठो बेटा. So now the both sister and brother, they knew that because they have not kept the paneer in the fridge, due to moisture and due to high temperature, microbes have attacked the paneer. They started growing on the paneer and produced, and they broke proteins into amino acids, ammonia and hydrogen sulfide. अब सबने इकट्ठे बोल बताना है मुझे कि is this paneer good for eating? Yes or no? No, ma'am. No, this paneer, we cannot eat this paneer because these chemicals produced in the paneer, these are harmful for the health. So, microbes, how the microbes deteriorates our food? By physical reaction ki by chemical reaction? Any student? Raise your hand. Yes, ma'am, kisi ko mic den please. Chemical reaction. Yes, very good. So, now you know that microbes, they deteriorates our food by producing chemical reaction, right? So, assignment ka pehla question. Spoiling of food is a, yes, kaun sa answer aa jayega beta? Yes, zor se bolo beta. Chemical reaction, bilkul theek hai. Spoiling of food occurs by chemical reactions. So, chemical reactions kaun se hote hai? Ye aap likh lo fatafat se, jaldi se. Proteins in food. Microbes. जल्दी से लिखना to form this. ये assignment पे ही आप लिख सकते हो. Sugars. And fats. ठीक है बेटा, आपके टीचर्स बता देंगे. हमारा यूट्यूब चैनल है के एडुकॉन ई लर्निंग, उस पे आपकी वीडियो, आज की जो वीडियो है लेक्चर की, वो रिकॉर्ड होके उस पे डल जाएगी. आप वहां से भी देख सकते हैं, राइट? जो चीजें आप नहीं लिख पाते, यू कैन सी द यूट्यूब, अवर यूट्यूब चैनल, और वहां पे अपनी आपकी क्लास SD विद्या मंदिर क्लास 8 का आज का लेक्चर होगा, वो आप व्यू कर सकते हैं, राइट? द टीचर, योर टीचर्स विल टेल अस पूरा के एडुकॉन ई लर्निंग है. ठीक है जी. सो यू नो दैट अगेन
But I'm telling that spoiling of food is due to chemical reactions in the food by the action of microbes. So यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है, माइक्रोब्स स्पॉइलिंग फूड. माइक्रोब्स की कैटेगरीज हमने पिछली बार की थी, तो कौन से माइक्रोब स्पॉइल करते हैं? दैट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई. प्रोटोजोन्स नहीं फूड खराब करते, वायरसेस नहीं खराब करते, ठीक है? तो इट इज बैक्टीरिया एंड फंजाई विच स्पॉइल्स अवर फूड, राइट? यू नो दिस इज पनीर, दिस इज यू नो ब्रेड, पिज्जा जो भी कह लो वो फंगल ग्रोथ है. देन दिस इज यू नो फ्रूट्स स्पॉइल्ड बाय द बैक्टीरिया एंड फंजाई, दिस इज द मीट स्पॉइल्ड बाय फंजाई. ओके, ठीक है? सो स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल रिएक्शन एंड इट इज बाय माइक्रोब्स विच प्रोड्यूस अमोनिया, देन वेरियस एसिड्स और एल्कोहल, ड्यू टू विच कलर ऑफ द फूड चेंजेस, राइट? इट प्रोड्यूस डिफरेंट स्मेल, ओडोर्स, फ्लेवर ऑफ द फूड चेंजेस. तो माइक्रोबियल ग्रोथ के कारण कलर स्मेल आती है, कलर चेंज हो जाता है खाने का, स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है? और डिफरेंट उसका अगर हम खाते हैं तो उसका टेस्ट भी खराब लगता है. इज इट ओके? राइट, चलिए जी. सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट फूड जो है, स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज ए केमिकल प्रोसेस विच इज ड्यू टू माइक्रोब्स. दिस वी हैड डन. देन द सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स दैट दे कॉज वेरियस डिजीजेस, राइट? सो इधर बेटा, इधर इधर. तो डिजीजेस किस किस को करते हैं? सिर्फ ह्यूमंस को कि प्लांट्स को भी करते हैं, एनिमल्स को भी करते हैं? यस, हु विल टेल मी? प्लांट्स एंड ह्यूमंस. ओनली प्लांट्स एंड ह्यूमंस के दूसरे एनिमल्स बर्ड्स उनको भी करते हैं? बर्ड्स को डिजीज माइक्रोब्स, क्या बर्ड्स को डिजीज करते हैं? बोथ एनिमल एंड प्लांट्स एंड ह्यूमंस. ह्यूमंस मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यस, थैंक यू मैम. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी कॉज्ड डिजीजेस बाय माइक्रोब्स, राइट? ऑल द ऑर्गेनिजम्स. बर्ड्स में आपने सुना है कभी बर्ड फ्लू सुना है? यस और नो? यस मैम. है ना, हाँ, बर्ड फ्लू, राइट? तो जब कोविड आया था तो हमने सुना था बर्ड फ्लू हो गया, एग्स मत खाओ, ठीक है, मुर्गियां मत खाओ, ठीक है? तो दैट इज बर्ड फ्लू हो गया है. और आपने कभी सुना होगा कि वायरल इंफेक्शन से बहुत सारी कैटल खत्म हो गई है, मर गई है राजस्थान में, राइट? ये चीजें हो जाती है, ठीक है? और जो चिकन पॉक्स, नॉट चिकन पॉक्स, आई एम सॉरी, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स की जब एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन बनाई थी तो उसने सबसे पहले क्या देखा था कि कैटल को एक स्मॉल पॉक्स, कैटल पॉक्स डिजीज हो रहा है उससे जो मिल्क मेड्स है. यू मस्ट हैव हर्ड दैट स्टोरी, शायद इंग्लिश में आपने पढ़ी होगी, राइट? बट आई विल टेल यू दिस स्टोरी नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले क्या देखा था कि कैटल को भी, जैसे हमें स्मॉल पॉक्स होता था किसी टाइम में, ऐसे ही कैटल को भी कैटल पॉक्स होता है, राइट? सो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी, कई बार डू यू नो, मतलब आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कभी, कि बैक्टीरिया को भी बैक्टीरिया डिजीजेस कर सकते हैं. एक बैक्टीरिया दूसरे वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया को भी डिजीजेस कर देते हैं, उनको मार देते हैं. वो बात अलग है कि हम उनको ठीक नहीं करते, अदरवाइज वायरसेस कैन किल बैक्टीरिया ऑल्सो, दे कैन कॉज डिजीजेस इन बैक्टीरिया ऑल्सो. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द प्लांट डिजीजेस. यस, हु विल टेल मी?
जल्दी से मुझे खड़े होके बताओ कि कौन बताएगा कि ये तीन प्लांट डिजीजेस कौन से हैं। हाँ जी, ये पहले वाला कौन सा है बेटा? जोर से बोलना, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। सेकेंड फर्स्ट कौन सा बेटा? एंड आई नो सेकेंड एंड थर्ड बोलो, सेकंड बताइए, ये बताइए पहले। वेरी मैम येलो वेन इन ओकरा मैम गुड, व्हाट डू यू मीन बाय ओकरा? भिंडी यस, वेरी गुड, येलो वेन डिजीज इन ओकरा। दिस थर्ड वन इज, रस्ट ऑफ व्हीट यस, रस्ट ऑफ व्हीट। और ये पहला मैं बता, अपना जो आगे हाथ खड़ा है ना बेटा, उसको माइक दे दो, वो जो मैम जो आगे इनका। हाँ जी, किसी को दे दो। हाँ जी, फर्स्ट डिजीज बताओ कौन सा बेटा? मैम इट इज फंगस इन द प्लांट स्पाइरोजाइरा नहीं बेटा, स्पायरो गायरा कहाँ से आ गया? इट इज सिट्रस कैंकर। बेटा जो स्पायरो गायरा आपने बताया, पहली बात तो वो फंगस नहीं है, वो एल्गी है, और दूसरी बात वो डिजीज नहीं करता, वो तो पानी में रहता है। ठीक है, स्पायरो गायरा आपको याद तो आ गया, कहीं ना कहीं से 7th का याद आ गया आपको, राइट? ठीक है, बट नो प्रॉब्लम। सो दिस इज सिट्रस कैंकर, येलो वेन डिजीज इन ओकरा एंड रस्ट ऑफ व्हीट। दिस यू नो कि कौन करता है कौन नहीं करता, दैट यू विल रिमेम्बर, राइट? इसमें हम कुछ करने नहीं। देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, हमने क्या करना है कि नाउ मेनी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स इन ह्यूमन। हम मेनली ह्यूमन से कंसर्न्ड है, राइट? सो जो ह्यूमन डिजीजेस है बेटा, तो रिमेम्बर दैट कि जो माइक्रोबियल डिजीजेस है आर कॉम्युनिकेबल। कॉम्युनिकेबल का क्या मतलब है? दे स्प्रेड फ्रॉम, हाँ जी, किसी को दो। हाँ जी बेटा बोलो। स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर यस, इट स्प्रेड्स फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, राइट? तो कैसे स्प्रेड होते हैं? दिस इज ओरोफिकल रूट। कभी सुना है आपने ओरोफिकल रूट? यस और नो? नहीं। हाँ ओरो, ओरो मतलब माउथ, फीकल मतलब पोटी, है ना? हमारा जो है, हम खाना मुंह से खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड एनस से बाहर निकल आता है। दिस यू नो, राइट? सो दिस इज ओरोफिकल, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम का जो रूट है, दैट इज ओरोफिकल रूट। कैसे, क्या होता है? लेट अस से वी कम टू अ डिजीज कॉल्ड एज कॉलरा। एक हेल्दी पर्सन को कॉलरा हो गया। कॉलरा में क्या होता है कि लूज मोशंस, वोमिटिंग, ये सब हो जाती है, पेट खराब हो जाता है। तो अब उसके माइक्रोब्स कहाँ पे पड़े हुए हैं? इधर ध्यान से, एवरीबडी हियर, वेयर इट्स माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर कॉजिंग डैमेज टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सम ऑफ द बैक्टीरिया फॉर कॉलरा, इट कम्स आउट इन टू फीसेस। ठीक है, तो पेशेंट है, पेशेंट ने फीसेस, फीसेस मतलब पॉटी, आपको पता है, फीसेस कंटेन्स बैक्टीरिया फॉर कॉलरा। ठीक है, अब क्या हुआ कि उन्होंने फीसेस की, अगर ओपन में की, वॉशरूम में नहीं की, ओपन में की, तो ओपन में क्या हुआ कि उसके ऊपर फ्लाइज बैठी, और फ्लाइज कहां पे?
फ्लाइज जब उसके ऊपर बैठी तो सम ऑफ द माइक्रोब्स दे स्टिक टू द फ्लाइज, और फ्लाइज फिर आके खाने पे बैठ गई। हम रेडियो से खाते हैं जिनका खुला होता है कि फटाफट से हमें दे दो फ्रूट चाट, दे दो ये, दे दो वो, दे दो, बट उसपे कौन सी मक्खियां बैठी है ये हमें नहीं पता। एंड व्हेन दे सिट ऑन द फूड द माइक्रोब्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्लाइज इनटू फूड्स, फ्रॉम फूड्स इनटू यू नो मैं हूं आप है या कोई है, उनके अंदर ट्रांसफर हो। एंड अगेन न्यू होस्ट दे डू फीसिस इन द ओपन एंड द सेम प्रोसेस इट गोज ऑन। दिस इज अबाउट फ्लाई। दूसरा आ जाता है फिंगर्स का, ठीक है। तो फिंगर्स क्या है कि हमने पॉटी जो है धोई, ठीक है, हमने जेट से नहीं अपने हाथों से धोई, ठीक है, बट उसके बाद हमने हाथ जो है अच्छे से क्लीन नहीं किए, राइट। ऑल्दो इट अपियर्स ऑकवर्ड कि मैम कैसे बातें, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन, राइट। एंड उसको हमने अच्छे से हाथों से अच्छी तरह फटाफट से साबुन लगाया, ऐसे किया, धो दिया, या कुछ बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही पानी से धोए और चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि हमने कई चीजों को टच किया, खाने की चीजों को भी टच किया। जब हमने खाने की चीजों को टच किया तो हमारे हाथ से माइक्रोब्स उसमें चले गए, खाने में चले गए, और जिसने खाया और वो सब उस होस्ट में चले गए। हैव यू एवर हर्ड अबाउट टाइफॉइड मैरी, यस और नो? जिसने सुना है टाइफॉइड मैरी के बारे में हाथ खड़ा करो। यस, फ्यू स्टूडेंट्स। तो बेटा टाइफॉइड मैरी, ऑल्दो उसका नाम टाइफॉइड मैरी नहीं था, ठीक है, बट उसका नाम टाइफॉइड मैरी क्यों पढ़ा? इंग्लैंड में एक कुक थी, मतलब यू कैन से एक होटल में कुकिंग करती थी, तो कुक थी, एक छोटा सा रेस्टोरा था वहां पे कुक थी, ठीक है। तो वो, उसको टाइफॉइड था, बट अब वे बैक 1700 कुछ में अगेन सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, तो वो वॉशरूम, बेटा लड़ना नहीं और इधर ध्यान से, वॉशरूम जाती थी और अपने हाथ अच्छी तरह से उसने नहीं धोए। उससे क्या हुआ कि जब वो खाना बनाती थी द टाइफॉइड, द बैक्टीरिया फॉर टाइफॉइड दे गेट ट्रांसफर्ड इन द फूड, ड्यू टू विच मेनी पीपल गेट इन्फेक्टेड बाई टाइफॉइड, ठीक है। तो ये देखा कि जो उस होटल में खाना खा रहा है उसको टाइफॉइड हो गया, जो खाना खा रहा है उसको टाइफॉइड हो गया, और उसके बाद सब कुछ इन्वेस्टिगेट पता करने के बाद चला कि ये इस कुक का काम है जिसके कारण, अनहाइजीनिक कारण से, क्योंकि वो अपने हाथ अच्छी तरह नहीं धोती थी। इधर इधर बस एवरीबडी हियर, हाथ अच्छी तरह से नहीं धोती थी, सो शी इन्फेक्टेड मेनी पीपल विद टाइफॉइड, ड्यू टू विच शी वॉज पुट इन द जेल फॉर द होल लाइफ एंड हर नेम वॉज यू नो कॉइंड एज टाइफॉइड मैरी। तो इस अनहाइजीनिक कंडीशन के कारण बहुत सारे लोगों को टाइफॉइड हो गया। और किस कारण? तो अब हमें यह पता चला कि टाइफॉइड किससे होता है, ओरोफिकल रूट से होता है, इज इट ओके? तो जो हमारे जो डिजीजेस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को खराब करते हैं, जो हम मुंह से जिन जर्म्स को लेते हैं अंदर, वो कैसे फैल रहे हैं? थ्रू ओरोफिकल रूट। अगेन मैंने बताया फ्लाइज एंड फिंगर्स का बताया। उसके बाद इफ यू डू फीसेस, एनीबडी, नॉट यू बट द इन्फेक्टेड पर्सन डू फीसेस इन ओपन और इवन इन यू नो टॉयलेट्स, बट दैट सीवेज इट इज मिक्स्ड विद रिवर, इट इज नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली बट इट इज मिक्स्ड विद रिवर दैट सप्लाइज वॉटर टू ए सिटी और द टाउन, देन दैट वॉटर विल बी इन्फेक्टेड एंड द पीपल हु ड्रिंक दैट वॉटर दे विल गेट इन्फेक्टेड बाय द डिजीज। तो पानी के थ्रू कि हमने, हाँ जी बेटा खड़े हो बताओ, हाँ बढ़ाऊंगा जी बोलो। वेबसाइट बैक्टीरिया बट व्हेन वी आर हैव अ फीवर सो व्हाई द डॉक्टर्स सेड अस शुड नॉट ईट द व्हीट ईट द ब्रेड ओनली व्हाई डोंट यू ईट द व्हीट इन द फीवर? वीट, बेटा वीट, क्योंकि ना जब हमें बीमार हो जाते हैं, बैठो बेटा, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत लो हो जाता है, हम बहुत वीक हो जाते हैं, एंड वीट की डाइजेशन के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जब हम छोटे थे ना, अब तो डॉक्टर्स थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज, जब हम छोटे थे तो हमें क्या कहते थे, हल्का सा खाना खा लेना,
ठीक है, खिचड़ी खा लो, दलिया खा लो, पतली पतली खिचड़ी खाओ, पतली पतला दलिया खाओ, ताकि फ्लूइड्स बहुत ज्यादा हमारे अंदर जाए, डिटॉक्स हो हमारे, बहुत सारे जो टॉक्सिन्स है वो यूरिन के थ्रू निकल जाए. वीट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी टू डाइजेस्ट, दैट इज वाई इट इज प्रेफर्ड नॉट टू ईट वीट. ठीक है, रोटी खासकर. ठीक है जी, तो मैंने क्या कहा कि अगर हम ओपन में फीसेस करते हैं, दैट फीसेस गेट्स मिक्स्ड विद वाटर, यू नो, ड्रिंकिंग विद दैट वाटर ऑफ द रिवर्स, एंड इफ द पीपल ड्रिंक वाटर फ्रॉम दोज रिवर्स, दे विल गेट इन्फेक्टेड बाय द डिजीज. सो दिस इज ओरोफिकल रूट. सो विच डिजीजेस, इधर देखो, विच डिजीजेस आर ट्रांसफर्ड बाय ओरोफिकल रूट? एक मैंने आपको बताया कॉलरा, वन इज डायसेंट्री, डायसेंट्री यू नो, लूज मोशन. अनदर इज टाइफॉइड. टाइफॉइड में भी बेटा पेट में बहुत दर्द होती है, बहुत तेज टेम्परेचर हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली खराब हो जाता है. देन देर इज हेपेटाइटिस ए. हेपेटाइटिस ए लिवर को, लिवर इज ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इन्फेक्ट्स द लिवर. इज इट ओके? जिसको समझ में आया हाथ खड़ा करो. वेरी गुड. चलिए, नेक्स्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी डिजीजेस. रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज कौन से है? सबसे पहले COVID-19 रेस्पिरेटरी है ना. उस टाइम क्या होता था कि कोई दूर से भी खांसी करता था तो हम दूसरी तरफ को भाग जाते थे, हाय हाय इसको खांसी होगी, भागो, है ना, राइट? दिस हैपेंड, यस और नो? ठीक है ना. और कोई खांसता, जरा सी छींक मार ली, एकदम हम अपने फटाफट से हम अपने मास्क ऊपर करते थे, बस भूत आया भागो, राइट? सो रेस्पिरेटरी डिजीज. अनदर इज इन्फ्लुएंजा, भयानक सा नाम लगता है, अदरवाइज इट इज कॉमन कोल्ड. एंड यू नो COVID-19 कॉज्ड बाय कोरोना वायरस. कोरोना वायरस इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस. अनदर इज ट्यूबोक्लोसिस. दीज आर द थ्री मेन रेस्पिरेटरी डिजीजेस. ट्यूबोक्लोसिस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, वेयर एज दीज टू आर कॉज्ड बाय वायरसेस, राइट? सो हाउ दीज स्प्रेड? दिस इज इन्फेक्टेड पर्सन, एक्सपीरेशन इवेपोरेशन, सांस ले रहा है ना, जोर जोर से सांस ले रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, राइट? छींके मार रहा है, कफिन कर रहा है. द माइक्रोब्स कम आउट ऑफ द माउथ इफ दे आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट. दीज माइक्रोब्स गोज इन टू द हेल्दी पर्सन डायरेक्टली. इफ दे आर सिटिंग एट ए डिस्टेंस, देन दीज माइक्रोब्स थ्रू एयर गोज इन टू द अदर पर्सन. देन इफ दे आर सिटिंग नियर द टेबल, नियर द लैपटॉप, दे आर पुटिंग हैंड्स ऑन द माउथ एंड विद द सेम हैंड्स दे आर टचिंग द यू नो लैपटॉप, देन द माइक्रोब्स आर ट्रांसफर टू द लैपटॉप. When the healthy person uses the same laptop, the microbes get into the hands of the second person and the second person also gets infected. So, इन सब में क्या है? Microbes कहाँ से निकले? नाक में से, मुंह से निकले. And then they go into the other person when the person, the healthy person inhales. वैसे mainly ये airborne है, ठीक है, बट अगेन जो हम टच करते हैं, कुछ करते हैं उससे भी इनहेल करके. सोना नहीं, जागो जागो जागो, बी एक्टिव, सिट स्ट्रेट, ठीक है, एकदम ठीक. तो वो सारे कहाँ जाते हैं? इनहेल करके दूसरे ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं. सो
सो दीज आर रेस्पिरेटरी डिजीजेस. यस माइक दो मैम किसी को. यस एनीबडी. सो एयरबॉर्न डिजीजेस जनरली इनफेक्ट. हाँ जी बेटा, विच पार्ट ऑफ द बॉडी? द क्वेश्चन एयरबॉर्न माइक्रोब्स इनफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. वेरी गुड. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है दैट इज कोविड, इंफ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस एटसेट्रा. ठीक है जी. अब जल्दी से मैम एक को बच्चे को देते रहो और हम जल्दी से ये दो तीन क्वेश्चन कर लें. बस 2-3 मिनट का मुझे टाइम चाहिए होगा किसी को भी. सेकेंड क्वेश्चन, अ डिजीज इन ह्यूमन बींग्स कॉज्ड बाई ए वायरस. इट इज कौन सा है सेकंड का? एग्जाम इन्फ्लुएंजा. बिल्कुल ठीक है मैम, इनके पीछे पीछे ही देते रहो माइक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजीज कॉज्ड बाय ए प्रोटोजोन एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट. मलेरिया मलेरिया. मलेरिया को बेटा कौन कौन सा मॉस्किटो इन्फेक्ट करता है? कौन सा मॉस्किटो? मॉस्किटोज विच अफेक्ट विच कॉजेज डिसीज डेंगी. डेंगी? नहीं बेटा, मैं कह रही हूं मलेरिया को कौन स्प्रेड करता है, कौन सा मॉस्किटो? मैम फीमेल आनो प्लीज व्हाई इट इज फीमेल, व्हाई नॉट मेल? मैम, बिकॉज फीमेल्स हैव द ब्लड एंड मलेरियल प्रोटोजोन्स इन देम. नहीं, व्हाई फीमेल एनोफिलीज सक ह्यूमन ब्लड? Because she needs to make eggs through which she requires यस, blood. बिकॉज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो. ऐसा नहीं है कि औरतें जो है, फीमेल जो है वो खून चूसती है, ऐसा नहीं है बेटा. ठीक है, ये मत लेना कि फीमेल्स ही खून चूसती है लोगों का, ऐसा नहीं है. ठीक है, बट उनकी ये मजबूरी है बच्चे, उनकी ये मजबूरी है. सर यहाँ बैठे हैं, बहुत हंस रहे हैं. सो इट इज कि भी ऐसा नहीं है, ऐसा कि फीमेल्स की मजबूरी ये है बेटा, बिकॉज दे हैव टू फॉर्म एग्स फॉर विच दे नीड ह्यूमन ब्लड, राइट? तो बस बेटा एक चीज मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग सी बता दूं. दिस इज एनोफ्लीज वेक्टर फॉर मलेरिया, फीमेल एनोफ्लीज. ये मेरी टीचर ने बताया था कि फीमेल एनोफ्लीज कैसे हम पता करेंगे कि ये फीमेल एनोफ्लीज है. वो बेटा ये आप देख रहे हो कि वो टेढ़ा बैठती है, वो सिर नीचे करके ऐसे टेढ़ा बैठती है. ठीक है, ऐसे टेढ़ा क्यों बैठती है? क्योंकि उसे शर्म आती है कि आई एम स्प्रेडिंग द डिजीज. ये वैसे ही एक जनरल सा. तो फीमेल एनोफ्लीज एंड दिस इज यू नो एडीज मॉस्किटो. दिस इज एनोफ्लीज मॉस्किटो, दिस इज एडीज मॉस्किटो, दिस इज ऑल्सो फीमेल, दिस इज ऑल्सो फीमेल. दे रिक्वायर, बोथ रिक्वायर ह्यूमन प्रोटीन फॉर मेच्यूरेशन ऑफ एग्स. दैट्स वाई दे सक ह्यूमन ब्लड एंड इन द वे दे ट्रांसफर्स द पैरासाइट द माइक्रोब्स इन टू हेल्दी ऑर्गेनिज्म. एनोफ्लीज कैसे पता चलेगा, कैसे हम डिस्टिंग्विश करते हैं दूसरे मॉस्किटो से, कि एनोफ्लीज हमेशा ऐसे टेढ़ा इंक्लाइंड बैठती है एंड नॉट द अदर मॉस्किटो. इज इट राइट? सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आंसर इज सी. ठीक है जी. क्वेश्चन नंबर सिक्स आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ डिजीज? हाउस फ्लाई मैंने आपको बताया है, फीमेल एनोफ्लीज, फीमेल एडीज मॉस्किटो. आंसर इज ऑल ऑफ दीज, राइट? तो चलिए आप ये क्वेश्चंस करके आए. ठीक है, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? अच्छा, आपको मजा आया क्लास में? जिसको मजा आया ट्रुथ बताना है, जिसको इंटरेस्टिंग लगी क्लास हाथ खड़ा करो. यस, वेरी गुड वेरी गुड. चलिए, किसी को देख के नहीं, जिसको मजा आया वही खड़ी करेंगे. वेरी गुड. तो अब आपने क्या करना है, यू हैव टू असाइनमेंट्स विद यू, राइट? तो आपने ये दोनों असाइनमेंट्स अगली बार करके आनी है. फर्स्ट वी विल डू द असाइनमेंट्स, देन वी विल डू फर्दर. और
लेक्चर हम व्यू कर सकते हैं के एडुकॉन ई लर्निंग पे. टीचर्स प्लीज टेल देम, राइट? ओके, थैंक यू मैम. थैंक्स. एनीथिंग एनीबडी वांट टू आस्क टीचर्स स्टूडेंट्स? ओके बेटा, बाय बाय. थैंक यू टीचर्स, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन.